क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित दीवारों पर से गुजरात स्टोर की बही से खरीद बही और खरीद वापसी बही तैयार कीजिए। 2018 जनवरी 1, 1 लाख का माल पंजाब स्टोर से में से 5% व्यापारी भट्टा से खरीदा, 5% माइनस कर देते हैं तो हमारे पास यहाँ पर कितना आता है, 5% व्यापारी भट्टा माइनस करते हैं तो हमारे पास 95,000 आ जाता है। तो आप इस तरह से लिखना, श्री गुजरात स्टोर की खरीद बही और खरीद वापसी बही इस तरह से लिख लेना है। और हम यहाँ पर करते हैं सवाल कैसे करते हैं, तो आप इस तरह के वीडियो देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दी है, वहाँ से देख सकते हैं। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस प्रकार के वीडियो आपको प्राप्त होते रहेंगे। तो पहली तारीख है, आप यहाँ पर लिखते हैं पंजाब स्टोर्स खाता, क्योंकि खरीदा इसलिए खरीद बही में आएगा। बिल नंबर नहीं दिया गया, आवक बिल नंबर नहीं दिया है, खाता प्रश्न नंबर नहीं दिया है। हम लोग यहाँ पर लिखते हैं 95,000, 5% हमने व्यापारी बटा काटा है। अगला देखते हैं, तो तीन तारीख का देखते हैं, महाराष्ट्र स्टोर्स के पास से 60,000 का माल खरीदा, साख की अवधि 1 मास है, व्यापारी बट्टा 10%, बिल नंबर 330, 10% निकालते हैं तो हमारे पास 6,000 आता है, 6,000 घटा देते हैं 60,000 में तो 54,000 आ जाता है। तो यहाँ तारीख लिखते हैं 3, बराबर यहाँ पर लिखते हैं महाराष्ट्र स्टोर्स खाता, महाराष्ट्र स्टोर्स खाता, बिल नंबर है 3, आवक बिल नंबर है 330 और यहाँ हो जाता है 54,000 हो जाता है, बराबर। अब अगला देखते हैं, तारीख है 10, 50,000 का माल केराला स्टोर के पास से साग पर खरीदा, 50% भाग रकम तुरंत ही चुका दी है, तो तुरंत चुका दी है तो उसको हम ध्यान देंगे नहीं, हमको पूरा 50,000 का करते हैं, बराबर। यहाँ पर कोई डिस्काउंट दिया नहीं है, तो यहाँ पर लिखते हैं तारीख हमारी 10 है, केराला स्टोर्स खाता 50,000। 17 तारीख का लिखा है, महाराष्ट्र स्टोर के पास से खरीदे माल में से 1/3 भाग का माल वापस किया, माल के साथ योग्य रकम की उधार चिट्ठी नंबर 43 भेज दी है, तो उधार चिट्ठी नंबर भेजा है, माल वापस करते हैं तो उधार चिट्ठी नंबर लिख के भेजते हैं। यहाँ पर ध्यान रखना है महाराष्ट्र स्टोर्स का पर 3 तारीख का है, 1/3 भाग वापस किया, तो इसमें 3 से भाग देंगे तो हमारे पास यहाँ पर जो डिस्काउंट काटा है ना उसमें भाग देंगे, यानी 54,000 लिया है, तो 54,000 में हम 3 से भाग देते हैं तो हमारे पास 18 × 3 = 54 होता है, यानी 18,000 माल वापस किया है। तो इस तरह से हम खरीद वापसी बही में लिखेंगे, क्योंकि उसने क्या किया है, माल वापस किया है, तो यहाँ लिखेंगे महाराष्ट्र स्टोर्स खाता। आप कहाँ पर जाके देखेंगे तो खरीद बही में देखना, 3 तारीख का महाराष्ट्र स्टोर खाता लिखा है, उसमें 1/3 भाग वापस करने के लिए बोला है, तो उधार नंबर चिट्ठी नंबर 43 लिखी है, और आप देखेंगे तो 54,000 उसमें लिखा है, तो 54,000 में भाग देंगे 3 से तो हमारे पास आ जाता है 18,000। ओके, अगला देखते हैं, तो यहाँ 21 तारीख का देखते हैं, राजस्थान स्टोर के पास से 40,000 का माल 10% व्यापारी बट्टा से खरीदा, राजस्थान स्टोर्स ने 5% बसेक और मजदूरी के 400 चढ़ाकर बिल नंबर 160 भेज दिया है, 40,000 लिखेंगे। यहाँ बसेक को हमको ध्यान में रखना नहीं है, मजदूरी नहीं ध्यान में रखना है, 40,000 का 10% करते हैं तो यहाँ पर आएगा 4,000, 4,000 घटाते हैं इसमें 36,000 आ जाता है। तो 21 तारीख है, 21 तारीख में हम लिखते हैं राजस्थान स्टोर्स खाता, राजस्थान स्टोर्स खाता 160 बिल नंबर है और 36,000 ये हो जाता है। 25 तारीख का देखते हैं, उत्तर प्रदेश स्टोर में से 50,000 का माल साग पर खरीदा, साग की मुद्दत 2 मास है, व्यापारी बट्टा 10% है, बिल नंबर 380 है, तो हम यहाँ पर ध्यान रखना है क्या बोला है कि 10% डिस्काउंट है, तो यानी कि 50,000 का 10% करते 5,000 आता है, 5,000 50,000 में से घटा देते हैं तो हमारे पास 45,000 आ जाता है। तो यहाँ लिखते हैं 25 तारीख है, उत्तर प्रदेश स्टोर्स खाता कितना है, 380 है और 45,000 इसकी कीमत आई है, 50,000 में 5% माइनस करते हैं तो इतना आ जाता है।
तो 29 तारीख का देखते हैं, उत्तर प्रदेश स्टोर के पास से खरीदे माल में से 30% माल वापस कर दिया और माल के साथ उधार चिट्ठी नंबर 44 भेज दी है। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में यहीं पर लिखा है 50,000 का जो माल है 30% हुआ है। तो आप क्या करेंगे, तो उसमें से 45,000 है, उसका 45,000 का 30% निकालोगे तो अपने आप आपके पास आ जाता है। तो तारीख लिखते हैं 29, लिखते हैं उत्तर प्रदेश स्टोर्स खाता, उत्तर प्रदेश स्टोर्स खाता, बिल नंबर उधार चिट्ठी नंबर कितना है 44 है, 13,500 इसका आ जाता है। तो कैसे किया है तो आप देखेंगे, तो 30% बोला है तो 30% निकालेंगे आप, 45,000 का 30% निकालते तो आपके पास 13,500 आ जाता है। 30 तारीख का देखते हैं, मध्य प्रदेश स्टोर में से 80,000 का माल 10% व्यापारी भट्टा से खरीदने का ऑर्डर रखा, तो ये ऑर्डर दिया है इसलिए बिना आर्थिक व्यवहार है, इसकी एंट्री हम लोग करते नहीं है। 31 तारीख का देखते हैं, हरियाणा स्टोर में से 30,000 का माल 10% व्यापारी भट्टा से 5% रोकड़ भट्टा से रोकड़ से खरीदा, रोकड़ से खरीदा है तो इसकी एंट्री कहाँ होगी, रोकड़ वही में होगी, इसमें होगी नहीं, अगला चैप्टर हम रोकड़ वही ही देखने वाले हैं। तो अब हम इसका टोटल वोटल करते हैं, तो इसका हम टोटल करते हैं तो कितना टोटल होता है, इसका टोटल होता है 2,80,000 इसका टोटल हो जाता है, और इसका टोटल मारते हैं तो 500, ये 8 और 3 11 की एक हासिल आई, एक एक और एक दो और एक तीन, 31,500 इसकी टोटल कीमत आती है। तो 31,500 कीमत आई है, इस तरह से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।